नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमसेट न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधिजा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं देश विदेश की मुख्य सुर्खियों पे। किसान आंदोलन का चौथा दिन शंभू बॉर्डर पर फिर से हंगामा। आंसू गैस के गोले छोड़े, पंजाब में दुकानें बंद, हाईवे ब्लॉक, हरियाणा में टोल फ्री। पीएम मोदी ने हरियाणा में एम्स का शिलान्यास किया। रैली में बोले कांग्रेस के नेता, अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहे। कांग्रेस के फ्रीज खातों से रोक हटी। पार्टी ने कहा था ना बिजली बिल भर पा रहे हैं, ना ही कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं। संदेश खाली जाने से रोकने पर बीजेपी टीम कोलकाता लौटी। केंद्रीय मंत्री बोली, पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, अनुसूचित आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। पंजाब से हरियाणा आने वाले आलू, मटर और किन्नू की आपूर्ति बंद, सब्जियों के दामों में उछाल। किसानों के भारत बंद आह्वान के चलते आज पंजाब में बस सेवा बंद रहेगी। आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। जालंधर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में सीबीआई की सर्च, चंडीगढ़ से पहुंची टीम। पंजाब के पासपोर्ट ऑफिसों में हड़कंप, 3 अधिकारी खंगाल रहे रिकॉर्ड। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए हरियाणा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। डीजीपी ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। पंजाब कांग्रेस हरियाणा का बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन, राजा बड़िंग व अन्य नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड राजकोट टेस्ट का दूसरा दिन शतक के करीब बेन डकेट। अश्विन के 500 टेस्ट विकेट पूरे, इंडिया ने बनाए 445 रन। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए SMZ News India।